नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त नवरत्न मंजूषा। दोस्तों आज हम चर्चा करेंगे शुभ शक्ति योजना के बारे में। यदि आपके घर में यदि बच्ची है और 18 साल प्लस है, आपके घर में बच्ची है, लड़की है 18 साल प्लस है, तो उनका आप शुभ शक्ति योजना में फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए इसमें कई रोल्स हैं, लेकिन इसमें क्या है कि मेन कई लोगों के भरम ये हैं, कई लोगों के पास ये कॉल आते हैं, उनको बोल देते हैं कि आपकी लड़की की जब शादी होगी तभी आपको पैसा मिलेगा। पैसा मिलता है शुभ शक्ति योजना के 55,000 रुपये। तो दोस्तों यदि आपके घर में बच्ची है, कन्या है, लड़की है, तो आपको 55,000 रुपये के लिए जो शुभ शक्ति योजना का जो फॉर्म आप अप्लाई करते हैं तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं, मैरिड हो चाहे अनमैरिड। यदि अनमैरिड है, देखिए मैरिड हो या अनमैरिड उसमें कुछ कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैरिड जैसे मैरिड के पहले फॉर्म यदि हम अप्लाई करते हैं तो वो सबसे ज़्यादा बेटर रहता है। तो यदि आपकी बच्ची यदि 10th 12th 11th या ग्रेजुएशन कर रही है, कोई प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हैं, तो उसमें भी आप वो 55,000 रुपये का आप फ़ायदा ले सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आपके बच्चे की आप शादी करेंगे तभी आपको वो 55,000 रुपये मिलेंगे। आप डायरेक्ट आपकी बच्चे का जो फॉर्म है अप्लाई कर सकते हैं शुभ शक्ति योजना में। तो यह कहाँ पर होगा? यह होगा आपके SSO ID। आपको मैं एक चीज़ ये और बता देना चाहता हूँ, ई मित्र वाले खुद की SSO ID डालते हैं, तो आपको ई मित्र वाले जो SSO ID है, आपके पास नहीं है तो आप वहाँ फिल कर सकते हैं। यदि आपके पास ऑलरेडी SSO ID है तो आपकी खुद की SSO ID से आपका जो शुभ शक्ति योजना का LDMS के द्वारा जो लेबर डिपार्टमेंट का जो ऑफिशियल वेबसाइट होता है वहाँ पर आपका जो LDMS के द्वारा जो SSO ID में आपका जो शुभ शक्ति योजना का जो जिनके पास श्रमिक कार्ड है, मजदूर कार्ड है, वो आप वहाँ पर फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं और अब आप 55,000 रुपये का है वो फ़ायदा ले सकते हैं। आपको मैं एक इम्पॉर्टेंट जो लिंक इम्पॉर्टेंट चीज़ एक और आपको मैं बता देना चाहता हूँ। आप क्या करेंगे, यदि आपने शुभ शक्ति योजना का फॉर्म अप्लाई कर दिया है दोस्तों, तो उसमें आपका मोबाइल नंबर खुद का होना चाहिए, ईमेल आईडी आपके पास आपकी खुद की होनी चाहिए। यदि आपके पास ईमेल आईडी नहीं है तो 2 मिनट का प्रोसेस होता है ईमेल आईडी बनाने का, उसमें यूज़र आईडी और पासवर्ड आपके पास रखिए और आप डायरेक्ट आपका ईमेल आईडी बनाकर ईमेल आईडी में जो आपका SSO ID में जो आपका लेबर डिपार्टमेंट के द्वारा जो शुभ शक्ति योजना का जो फॉर्म अप्लाई करते हैं तो आपको ईमेल आईडी पर खुद की ईमेल आईडी आपको फॉरवर्ड करनी है। यदि कई बार क्या होता है फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है, कोई ऑब्जेक्शन आ जाता है, कोई डॉक्यूमेंट्स की कमी, जो भौतिक वेरिफिकेशन कराते हैं, फिजिकल वेरिफिकेशन करवाते हैं, तब उन कुछ कमी आ जाती है, तो वो मैसेज है वो आपका जो ईमेल आईडी है वहाँ पर आता है, मोबाइल पर आता है। कई बार मोबाइल टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण नहीं आता है, लेकिन आपका सॉलिड मतलब श्योर 100% आपका जो मेल है आपके ईमेल आईडी पर आ जाता है। कोई भी आपके पास कोई कमी होती है डॉक्यूमेंट्स में, तो आप शुभ शक्ति योजना में आपके घर में बच्ची है, मैरिड हो या अनमैरिड हो, यदि उसमें वो कोई इश्यू नहीं है, यदि 18 साल यदि लड़की की हो चुकी है, तो आप शुभ शक्ति योजना में फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं और उसमें आप 55,000 रुपये का फ़ायदा ले सकते हैं। एक इसमें शर्त और रहती है, लड़की की एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होती है। लड़की की एजुकेशन क्वालिफिकेशन 8 पास यानी 8वीं पास होना जरूरी है, और उनके पास जन्म प्रमाण पत्र है या जन्म प्रमाण पत्र, क्योंकि उनकी जो एज है वो वेरीफाइड करते हैं, क्योंकि 18+ जो इसमें सबमिट फॉर्म करते हैं तो आपका फॉर्म वहाँ पर तभी आपका फॉर्म अप्लाई होता है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन 8 पास होना चाहिए, आपका डेट ऑफ बर्थ 18+ होना चाहिए मतलब 18 साल, और मतलब पढ़ाई में जो 8वीं पास है आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, राशन कार्ड होना चाहिए, जन आधार कार्ड होना चाहिए, फोटोज होना चाहिए, फोटो भी आपके ओरिजिनल मतलब जो न्यू डेट के होना चाहिए, 3 मंथ तक आपके चल सकती है, मतलब 0 से लेकर मतलब 3 महीने तक पुराने नहीं होने चाहिए एकदम। और आपका जो बैंक पासबुक है उसमें आपका जो शेड्यूल होता है बैंक पासबुक में आपका अकाउंट नंबर एकदम साफ होना चाहिए, और उसमें जो IFC है, MCQR जो भी जो है उसमें वो भी नंबर्स हैं वो भी आपका एकदम साफ सुथरा होना चाहिए। आपका आधार कार्ड है, आपके आधार कार्ड की जो कॉपी आप उसमें फिल करते हैं, राशन कार्ड की, वोटर आईडी है, जन आधार कार्ड की है, पास बैंक पासबुक है, वो भी फ़ोटो क्लियर होनी चाहिए। तो ये इस हिसाब से मैं आपका जो प्रोसेस नॉर्मल प्रोसेस है दोस्तों, यदि आप जो शुभ शक्ति योजना में आप फॉर्म आप आराम से फिल कर सकते हैं। दोस्तों मैं हूं आपका दोस्त नवरत्न मंजूषा। यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपके सामने सुरक्षित पहुंच सके। जय हिंद, जय भारत।